In a slightly strange way, because for the listeners of the radio Tarana, you're very lucky that the double-digit member of parliament range from the Congress party, we're here, someone representing the Indian National Congress, of course, Deepender Singh Hooda. So welcome to New Zealand. And what is the purpose of this? I know you're traveling with the delegation of the Honorable Speaker. We are on a friendship mission. We are here led by the Honorable Speaker of our lower house, Lok Sabha. She's leading a team of 7 members of parliament with her. And the sole purpose of the delegation is to increase engagement between India and New Zealand, to steer the relationship towards much better ties. But going back to India, political turmoil chal raha, obviously, because aap Haryana se aate hain, there was an anti-incumbency and change of government. Abhi Punjab mein election aane wale hain, but haal hi mein Navjot Singh Sidhu was, a lot of controversy that is happening. Saath mein Captain Amrinder Singh ki statements aa rahe the ki, Sidhu is welcome to join the Congress party. What is your sense on the Punjab elections? Mehak, I think Punjab, for the last few years, if you look at the last 2 or 3 years, it has been very painful for the people of Punjab. Punjab has gone through a period of not proper governance, a lot of misgovernance, a lot of scandals, a lot of scams, and a state of neglect. If you look at, like, I'm from Haryana, at one point of time, Haryana was quite behind Punjab. Mm-hmm. But if you look at the last few years, now Haryana's GDP is double the GDP of Punjab. We are, both brotherly states, and the level of prosperity, the growth rates, the economy has not done that well. And now people are asking questions. So, जो भी पंजाब से सारे बातें निकल के आ रही हैं वो ये उसी वो वही दिखा वही बताती हैं कि लोग बदलाव चाहते हैं पंजाब तो कांग्रेस का और आपके एलाइज का जो परफॉर्मेंस रहेगा आर यू एक्सपेक्टिंग अ विक्ट्री और इज दिस ऐसे देखो हमारे को पूरी उम्मीद है कि पंजाब के अंदर क्योंकि ये सही बात है कि जब लोकसभा चुनाव हुआ तो लोगों ने जो मैंडेट दिया उसमें एक मिक्स मैंडेट आया जिसमें कांग्रेस आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल तीनों की बराबर बराबर सीट आई मगर उस बराबर बराबर सीट में भी ये था कि अगर आप कांग्रेस और आम आदमी की सीटें गिनो तो वो ज़्यादा है तो यानी कि ज़्यादा लोगों ने तब भी बदलाव की तरफ इशारा कर दिया था हालांकि पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी के नाम से हवा चली हुई थी फिर भी लोगों ने पंजाब में ज़्यादा सीट अपोजिशन को दी अपोजिशन मतलब कांग्रेस और आम आदमी सारी बातें खुल रही हैं तो अब लोगों को धीरे धीरे रियलाइजेशन ये हो रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में फ्लॉप हुई है और दिल्ली में अभी तो चल रही है सरकार फ्लॉप नहीं हुई अगर आप दिल्ली के अंदर एमसीडी के चुनाव देखें तो एमसीडी के चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी के एमएलएस को घुसने भी नहीं दिया किसी ने और एक तरफा वहाँ पे हराया आम आदमी पार्टी को कांग्रेस और बीजेपी की कंटेस्ट में आया तो वो क्यों क्योंकि पिछले 1.5-2 साल से उनकी सरकार जो बनी दिल्ली में 2 साल से वो लोगों की एक्सपेक्टेशंस पूरी करने की तरफ ध्यान ही नहीं दिया लोगों की तरफ ध्यान वो दिल्ली के अंदर उनका जो परफॉर्मेंस है वो इतना ख़राब रहा है कि लोगों ने एमसीडी के चुनाव मतलब जो दिल्ली के अंदर लोकल बॉडीज़ के चुनाव होते हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली उसके अंदर आम आदमी पार्टी के लिए तो लोगों ने दरवाजे बंद किए अब वो धीरे धीरे बातें पंजाब तक पहुँच रही है कि उन्होंने दिल्ली में कहा था कि हम बिजली के बिल कम करेंगे बिजली के बिल डबल हो गए उन्होंने कहा था कि हम मतलब जो एक गैप आ गई जो वायदे थे और जो काम किया उसमें एक इतना बड़ा गैप दिखाई देने लगा दिल्ली के लोगों को और मुझे लगता है कि ये बात अब पंजाब में ट्रैवल करेगी और पहली और दूसरी जो मुझे लगता है कांग्रेस को वहाँ जो एडवांटेज है जो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी उनके लीडरशिप में हम ये चुनाव लड़ रहे हैं और कैप्टन साहब को मैं निजी रूप से भी जानता हूँ वो एक बहुत साफ दिल के और बहुत सकारात्मक सोच के अच्छी सोच के लीडर आपने जिस बदलाव की बात करी उसी बदलाव का मैंडेट लोगों ने दिया था है एक क्लियर मैसेजिंग दी एंड एज अ रिजल्ट कांग्रेस पार्टी डबल डिजिट में हिस्टोरिक लो सो व्हेयर डू यू सी कांग्रेस पार्टी गोइंग अभी से ऑब्वियसली राहुल गांधी एज द लीडर काफ़ी हद तक लोग जनता उन्हें नकार चुकी है सो व्हेयर डू यू सी द कांग्रेस पार्टी कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है ये चुनौती भरा समय है कांग्रेस के लिए इट इज़ अ चैलेंजिंग टाइम फॉर अस सी एंड डू यू एक्सेप्ट डू यू सी राहुल गांधी एज योर लीडर
नो सर्टनली कांग्रेस पार्टी नो सर्टनली नो कमा सर्टनली नो 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 लेट मी से वेरी सर्टनली कांग्रेस पार्टी इज लेड बाय श्रीमती सोनिया जी एंड राहुल जी एंड दिस इज अ वेरी चैलेंजिंग टाइम फॉर अस लाइक यू राइटली से नॉट द क्वेश्चन ऑफ डबल डिजिट अलोन यू नो वी आर रिड्यूस्ड टू 44 मेंबर्स जो कमियां रही हैं हमारी कमियां रही हैं तभी लोगों ने हमें सजा दी तो कमियों को दूर करना पड़ेगा जिम्मेदारी है क्योंकि हमारे देश में प्रजातंत्र में दो मजबूत दल रहे सत्तारूढ़ दल हो चाहे विपक्षी दल हो तभी किसकी सरकार बनती है उसका वो लोग फैसला करते हैं मगर दो मजबूत दल रहे तभी चेक्स एंड बैलेंसेज रहेंगे तो ये बहुत जरूरी है We hope we wish you all the best for Punjab elections and we wish Congress party very well for the coming years and I hope you have a lovely Thank you. Very, very nice to meet you.